हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग? होप यू आर वर्किंग वेल। सो गाइस, शुरुआत करते हैं फिर से अपने उन्हीं लिटरेरी क्वेश्चंस की जो हम लगातार इस सीरीज में कर रहे हैं, और आज के हमारे क्वेश्चंस बड़े ही स्पेशल होने वाले हैं। चलिए विदाउट गेटिंग लेट शुरू करते हैं, और ये हमारा लास्ट वीडियो को सबसे लास्ट क्वेश्चन था, 375। वॉटर वॉटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड सिंक, वॉटर वॉटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, राइट? करते की लाइन है। तो ये कहां पे हमें मिलती हैं? दीज लाइंस अपीयर्स इन, ये लाइन बच्चों हमारी कहां पे अपीयर होती हैं? अपीयर होती हैं बेसिकली राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो हम क्या आंसर करेंगे इसका? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो आंसर हमारा यहां पे जाएगा डी, डी वुड बी द आंसर। और ये किसकी थी? एसटी कॉलरिज, द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलेट्स। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी इज स्टेटेड बाय। अब क्वेश्चन बनता है कि ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ब्यूटी इज ट्रुथ, यानी कि ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ही ब्यूटी है। ये लाइंस बच्चों हमें मिलती है कीट्स के वर्क में, और कीट्स ने बेसिकली कौन सा वर्क था, कौन सी पोएम थी जिसमें इस लाइन को लाइक कोट किया है? ओड टू द ग्रेशियन अर्न, ओड टू द ग्रेशियन अर्न। अब मैं आपको बता दूं एक बात कि जो अर्न होता है बच्चों क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये अर्न बेसिकली होता क्या है? अर्न का मीन से बेसिकली कलश। ये बच्चों क्या होता है? कलश होता है। हम इसको कलश कहेंगे। और ग्रेशियन का मींस क्या है? ग्रीस का कलश, कलश यानी ग्रीस से इसको लिया गया। ग्रीस यानी हम देखें तो यूनान हमारा बनता है। तो ध्यान से देखें, कुछ इस तरह की कंडीशन और शेप होती है कलश की, ऐसे बच्चों कलश होता है। अब यहां पे जो दिखाया गया है इस कलश को, कैसे दिखाया गया है कि इसमें पिक्चराइजेशन है ना, लवर्स का, एनिमल्स का एटसेट्रा। और कहा क्या गया है यहाँ पे, लव इमोर्टेलिटी एटसेट्रा पे बेस्ड है कि जब तक वो जिंदे हैं तब तक तो मुश्किल कहानी है, लेकिन जब वो पिक्चर में आ गए अब उन्हें कोई डर नहीं है, यानी लाइफ हैज बीन इमॉर्टल फॉर देम। तो इसी में आती ब्यूटी ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, और टू ग्रेशियन अर्न में ये लाइन जो कि कीट्स ने लिखी है प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु बिलीव्स इन पेंथेइज्म। बच्चों पेंथेइज्म अगर मैं कहूं तो पेन का मीन्स है ऑल, थियो का मीन्स है रिलीजन, और इज्म यानी कि वो बेसिकली सिस्टम, पंथ। तो ध्यान से देखेंगे इसका मीन्स है अ गॉड फॉर ऑल, गॉड फॉर ऑल, या मैं कह दू गॉड फॉर ऑल थिंग्स, या फिर गॉड इज प्रेजेंट इन द नेचर। और इस बात को कहने वाले कौन थे? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहां पे आंसर हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ से जाएगा, हु बिलीव्ड इन पेंथेइज्म, वो पेंथेइज्म में बेसिकली बिलीव करते थे। क्वेश्चन नंबर 378, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी, ये कम्स है बच्चों यहाँ पे एस ओर लगेगा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये लास्ट लाइन है किस वर्क की? ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड। यानी हम यहां पे देखते हैं कि पीबी शैली बेसिकली वेस्ट विंड को यहां पे एड्रेस करते हैं और उसके साथ चलने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हवा की तरह से मैं भी उड़ू, हवा की तरह से मैं भी ऊपर उठू, मैं इतना हल्का हो जाऊं, बिकॉज आई हैव फॉलन ऑन द थॉर्न्स एंड आई ब्लीड। ऐसी ऐसी कंडीशन यहाँ पे शैली शो करते हैं। तो बेसिकली ये लाइन ओड टू द वेस्ट विंड से है, लास्ट लाइन है उसकी, और ये शैली ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स इज रिटन बाय। सब बच्चे जानते हैं बहुत बढ़िया से कि लिरिकल बैलेट्स बेसिकली आती है 1798 में, 23 लाइन्स। हम पिछली बार भी 23 पोएम्स है यहाँ पे, जिसमें 4 वर्ड्सवर्थ की, 4 एसटी कॉलरिज की, और 19 यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की है। तो इसकी प्रीफेस जो लिखी गई थी वो 2 साल बाद, यानी कि कब लिखी गई थी? 1800 में। और बच्चों एक बात बड़ी देखेंगे कि ये खाली ऐसा नहीं कि प्रीफेस एक दो लाइन का है, बल्कि पूरा एशे है, वर्ल्ड फेमस है, बड़ा जबरदस्त है। यानी यहाँ पे पोएट्री से लेके एवरीथिंग एज ए क्रिटिकल वन कौन प्रोवाइड करते हैं? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। और मैं आपको बता दूं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी जबरदस्त लाइन है पोएट्री को एक तरह से एक्सप्लेन करने की, कि पोएट्री इज द
स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पढ़ा है सब बच्चों ने, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये लाइन इसी में अपियर होती है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में, तो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि बेसिकली ये जो क्वोटेशन है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो कहां से आई और वर्ड्सवर्थ से कहां देते हैं, तो ये प्रीफेस में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 सोआई एट अ ग्लांस, मैंने एक नजर में 10,000 देखे। अब बच्चों एक ध्यान से देखो बात, एक नजर में 10,000 देखे, मान लिया आपने देखे, लेकिन कैसे देखे, आपको पता कैसे लगा 10,000, यानी चीजों को क्या किया गया, एग्जेजरेट किया गया है, एग्जेजरेट किया गया है, बढ़ा चढ़ा के। और बढ़ा चढ़ा के जब हम करते थे क्या कहलाता है, हाइपरबोली, हाइपरबोली। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स पोएम है और इस डैफोडिल्स पोएम में ये लाइन हमारी अपीयर होती है, राइट गाइस, और ये हाइपरबोली को शो करती है। जेन ऑस्टिन के बारे में पूछा गया कि जेन ऑस्टिन बेसिकली कौन थी, शी वॉज अ नॉवेलिस्ट। सबसे जबरदस्त बात है कि वो नॉवेलिस्ट थी, जबकि थी किसमें, रोमेंटिसिज्म में, तो ये रोमेंटिसिज्म को कम फॉलो करती है और ऑगस्टन को ज्यादा फॉलो करती है, यानी कि बीइंग रोमांटिक शी इज राइटिंग द नॉवेल्स। एक दूसरी मजेदार बात देखेंगे कि जैसे हम वर्क देखते हैं एमा, या हम देखते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, या हम देखते हैं नॉर्थम्बर एबे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बेसिकली किसने लिखे हैं, जेन ऑस्टिन ने, करेक्ट गाइज। तो ये सारे के सारे वर्क्स उन्होंने ही लिखे हैं, गेटिंग एवरीवन। और हम एक काम करते हैं इसमें, ओके इसको कंटिन्यू रखते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको बच्चों कंटिन्यू यहां पे रखेंगे, ठीक है जी। अब अगली बात देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर आता है 382, he smiles, he laughs and he roars। तो ये देखो कहता है smiles, laughs and he roars, ये quotation basically क्या कहलाती है। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम guys बात करें इसकी, तो ध्यान से देखेंगे हम किस लाइन पे आ जाएंगे, हम जब किसी वर्क को देखते हैं और उसके प्लॉट एक्सेट्रा को चेक करते हैं, तो हम राइजिंग एक्शन देखते हैं बेसिकली, आप ऐसे देखो, ठीक है जी, यहां से शुरुआत हुई, इसमें क्या कहा गया कि ही स्माइल्स, वो स्माइल करता है, लाफ करता है, स्माइल के बाद में लाफ, और फिर रोर्स करता है ना, दहाड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी यहां पे आने वाले जो वर्ब है स्माइल्स है, फिर लाफ्स है, और फिर रोर्स है, ये बच्चों किस किस को शो करती है, ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर को शो करती है, और वो भी किसके, लाफ्स, स्माइल्स के, लाफ्स के, रोर्स के, तो ये क्लाइमेक्स आएगा, यहां पे आंसर हमारा बनेगा सी, यानी क्लाइमेक्स। 83 में कहता है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टार्ट्स एंड फ्रेट्स इज ऑन आर अपॉन द स्टेज एंड, ये बेसिकली आता कहां पे है, तो गाइज ये हमारा यहां पे अगर हम देखेंगे किंग लियर मैकबेथ, ये मैकबेथ में आता है, तो मैकबेथ इस लाइन को बोलता है, कोटेशन मैकबेथ में अपीयर होती है कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है लाइन। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, लिमेरिक इज वन काइंड ऑफ, लिमेरिक बेसिकली क्या है, तो बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको कि लिमेरिक बेसिकली एक पोयम है जो फाइव लाइंस की होती है, एक स्टेंजा में है, फाइव लाइन का एक स्टेंजा वाली पोयम, शॉर्ट पोयम होती है। और मजेदार बात यह है, इसे 125 से याद रखेंगे कि इसकी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और फिफ्थ लाइन आपस में राइम करती है, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ, जबकि थर्ड एंड फोर्थ भी राइम करती है, तो इसे ही हम बच्चों क्या कहते हैं, लिमेरिक। तो आंसर यहां पे क्या आएगा, नैरेटिव पोएम, की छोटी सी कहानी को बताती है। 385 को देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बच्चों क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे, ये बात कहेगी पोएटिक्स में एरिस्टोटल एंड हिज फॉलोवर से कि प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम एक ट्रेजेडी की बात करें तो प्लॉट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गाइज होता है। क्वेश्चन बना कि द जू ऑफ माल्टा इज रिटन बाय, किसने लिखी है जू ऑफ माल्टा, सबको पता है कि ये आंसर हमारा जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो ने ये पोएम, ये पर्टिकुलर प्ले लिखा था। दूसरी बात मैं बता दूं कि जू ऑफ माल्टा को बेसिकली अडॉप्ट किया था शेक्सपियर ने किस वर्क में,
मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत बार पूछा गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी भी यही है। गेटिंग बच्चों, यानी यहां पे जो शाइलोक जो मेन कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर है शाइलोक ग्रीडी मनी लेंडर, इसी का रूप जो माल्टा में बारबस है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों ही बातें हमें याद रखनी है। क्वेश्चन बना, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज रिटन बाई, तो 100% इज विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव ने द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा था। क्वेश्चन बना, हु वॉज द किंग और क्वीन इन अर्ली रेनिशेंस पीरियड, तो ये एलिजाबेथ फर्स्ट है। एलिजाबेथ फर्स्ट वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड द टाइम रेनिशा पीरियड वॉज देयर। अब कहता है रेनिशा पीरियड वॉज डोमिनेटेड बाई, क्या थी वहां पे रेनिशा पीरियड में, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रांसलेशन या फिर प्रोज? तो गाइज यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेजेडी थी, इट वॉज द ट्रेजेडी विच डोमिनेटेड दिस पीरियड। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 390 का, आज का इस वीडियो का, हेल हैथ नो लिमिट्स नॉर इट्स सर्कमस्क्राइब इन वन सेल्फ प्लेस, फॉर वेयर वी आर इन हेल इज हेल एंड वेयर हेल इज देयर मस्ट वी एवर बी। अब बच्चों अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन पर्टिकुलर हमारी कहाँ पे हमें मिलती है, डॉक्टर फोस्टस में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कहाँ मिलती है, डॉक्टर फोस्टर किसने लिखा, क्रिस्टोफर मार्लो ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने, राइट गाइज। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, इसको सब बच्चे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे बढ़िया से तैयार करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।